अफ्रीकन कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और किट्टू भी ठीक है क्योंकि मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई थी। तो अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और मैं आज इतना लेट उठी हूँ और इतना लेट नहीं हूँ तो 10:30 के आसपास मैं उठ गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा है कि मतलब वीडियो शूट करूँगी तो और ज़्यादा लेट हो जाऊँगी जल्दी जल्दी से। तो फटाफट से रूम की सफाई की, उसके बाद नहाई और नहा कर पूजा करके फिर मैं हुई हूँ तैयार। तो मैंने कहा चलो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और देखो कितने सारे कपड़े मैंने धुले हैं और नीचे डाल दी, मैं ऊपर लेकर नहीं गई थी क्योंकि बार बार फिर ऊपर जाना नीचे जाने में मतलब टाइम लगता है, आलस आता है। और ये सीढ़ियाँ ना थोड़ी वैसी वाली है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ना मतलब कम्फर्टेबल नहीं होता मेरे को चढ़ना। ये वाली देखो, ये वाली जो सीढ़ियाँ हैं ना इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, मतलब अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैंने कपड़े नीचे ही डाल दिए हैं। और ये देखो जो कपड़े हैं ना वो लगभग सूख भी गए हैं। तो बस यही था कि सुबह लेट उठी और बस उसके बाद ये सब काम वाम किया। थोड़ा सा आपको रूम भी दिखा देती हूँ। बाल धुले हैं मैंने क्योंकि हम लोग कल गए थे कहीं घूमने तो वहाँ जो वैसा वाला पानी होता है ना वो लग गया था बालों में। तो रात आने के बाद तो मैंने बाल नहीं धुले, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी धुल लेते हैं। और क्योंकि उसके बाद आज दोपहर के बाद मेरे को जाना है घर पे। और अब हम करेंगे नाश्ता क्योंकि दूध वगैरह तो आ चुका है। और थोड़ा रूम दिखा देती हूँ आपको, रूम भी मैंने साफ़ कर लिया। तो चलिए अभी रूम में एंट्री करते हैं। वैसे रूम तो बड़ा मतलब छोटा सा ही है, एक ही रूम है तो उसी को मैं आप लोगों को एक बार से दिखा देती हूँ। तो रूम में एंट्री हो चुकी है और बिल्कुल सामने एक दीवान बेड है। और क्योंकि ये अकेला ही रहता है इस रूम में तो मतलब सिंगल ही बेड है, ज़्यादा मतलब बड़े बेड की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये देखिए, और साइड में इंडक्शन वगैरह रखे हैं। छोटी सी किचन है क्योंकि इस किचन में खाना वाना तो बनता नहीं है, बस दूध गर्म होता है। और साइड में कूलर है और ये मैंने अपना जो बिस्तर है वो नीचे लगा दिया था। एक फ़ैन उधर रखा है, कूलर है और एक छत का पंखा है तो गर्मी वगैरह भी मतलब नहीं लगती है, सही है सब कुछ। और ये विंडो है साइड से तो बाहर मतलब बाहर ओपन होती है तो वेंटिलेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है छोटा सा रूम और ये बाहर का मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से एक बार। और ये मैंने नीचे मैट्रेस लगा ली थी, मैट्रेस के ऊपर अच्छे से फिर चादर वगैरह लगा के अच्छे से सेट कर लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी रूम तो मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया है और अभी मैं कर लेती हूँ दूध गर्म क्योंकि मेरे को फिर नाश्ता भी करना है। नाश्ता वही है, फिर चाय वगैरह बनाऊँगी। तो अभी दूध गर्म हो जाएगा फिर उसके बाद देखते हैं, नाश्ते का काम रहेगा क्योंकि जो मेरा भाई है वो तो सुबह ही जा चुका था कॉलेज अपने और वो वहीं पर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेगा। बस मैं अकेली हूँ, अकेले में मतलब नाश्ता वास्ता करने का कुछ खाने का मन तो नहीं होता है। फैमिली में तो ये है घर पर तो कि किट्टू साथ होता है, मम्मी वगैरह सबके साथ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं अकेली हूँ। तो लेकिन फिर भी ये है कि सुबह उठते ही एकदम चाय की तो इच्छा होती है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ दूध गर्म, तो उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट का जो भी था सामान वगैरह वो मुझे देकर गया था सुबह ही और दूध भी लेकर आ गया था। तो मैं जब तक हमारी चाय बनेगी, तब मैंने चाय रख दी थी तो मैंने सोचा कि तब तक अपना ब्रेकफास्ट लगा लेती हूँ। तो पेटीज और वो है कचौरी है, आलू की सब्ज़ी है और सबसे फेवरेट जो है मेरी वो है चाय। तो दूध गर्म हो गया है, अभी गर्म दूध से तो चाय वैसे भी बहुत जल्दी बन जाती है। तो अभी दूध को हटा दूंगी और अब बनाएंगे हम लोग चाय। तो ये देखिए, उसी में मैंने दूध में थोड़ी सी पत्ती डाल दी थी और चीनी डाल दी थी तो चाय भी हमारी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए और नाश्ता कर लीजिए। तो चाय को छान लेते हैं। और इतनी गर्मी में भी अदरक वाली चाय कौन कौन पीता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि मुझे तो बिना अदरक की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और अगर आप लोग भी मेरे जैसे हो तो मुझे बताना और मुझे ये भी बताना कि कितने मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको चाय पसंद है। मुझे क्योंकि चाय बहुत पसंद है, वो भी अदरक वाली। तो फ्रेंड्स अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता
और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी फिर नाश्ता कर लीजिए। और यहाँ पर मेरे बाल इतने ज़्यादा उड़ रहे थे, वैसे मैं फ़ैन के सामने बैठी थी सुखाने के लिए बालों को, क्योंकि गर्मी में जब पसीना सा आता है ना तो और चिपचिप सी रहती है, वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मैं बैठी थी यहाँ पर फ़ैन के सामने, जिससे कि मेरे बाल जल्दी से सूख जाए। और फिर मैं नाश्ता वास्ता करने लगी तो मैंने सोचा कि अभी क्या बालों को जब तक नहीं बनाऊंगी जब तक ये सूख नहीं जाते हैं। वैसे तो नाश्ते का कोई काम होता नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि मैं लेट उठी थी तो नाश्ता भी लेट ही आया और बस थोड़ा देर से ही काम हो पाया है। बाकी तो यहाँ पर कोई काम नहीं होता है क्योंकि खाना वगैरह सारा बाहर से आता है और एक ही रूम है, तो रेंटेड रूम पर तो ऐसे ही रहता है बच्चों के साथ, मतलब जब बॉयज़ मतलब बाहर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा काम वाम कुछ होता नहीं है और बस फ्री ही रहना है, क्योंकि ये सुबह ही कॉलेज चला जाता है, उसके बाद फिर डायरेक्ट शाम को ही आता है, तो लंच वगैरह भी इसका वहीं पर होता है। तो इस वजह से मतलब यहाँ पर रूम पे कोई ज़्यादा काम वाम है नहीं और कोई रहता भी नहीं है, तो इसी वजह से। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाली थी कि आपके काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हुआ, आपकी सर्जरी क्यों नहीं हुई, आप पहले भी आई थी, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव वीडियोस तो मैं नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन ये है कि अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊँगी। तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो तब भी मैं सर्जरी के पर्पज़ से ही आई थी और सारा काम मेरा हो चुका था, सारे टेस्ट वगैरह हो चुके थे, लेकिन उसमें लास्ट में एक प्रॉब्लम आई थी कि जो मेरा गॉल ब्लैडर है वो इतना ज़्यादा पेन करता था कि उस पर स्वेलिंग आ गई थी, तो स्वेलिंग की वजह से जो है वो मेरी सर्जरी नहीं हो पाई थी। तो अभी मैं फिर कल आई थी, कल फिर से मेरे चेकअप वगैरह हुए हैं, टेस्ट हुए हैं फिर से, तो अब उसमें जो है वो कंडीशन बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर ने दी थी मुझे दवाइयाँ, एक हफ्ते की दवाई दी थी कि एक हफ्ता दवाई खा लीजिए उसके बाद सही हो जाएगा। तो अभी सही है, लगभग सब कुछ ही नॉर्मल है, बस अब जो सर्जरी डे रहता है, जो भी सर्जरी डे रहेगा नियर बाई, उसमें सर्जरी हो जाएगी, होप सो कि सही से ही होगी। और क्योंकि बस सर्जरी का तो जो ये है कि डर तो देखो लगता है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता है, लेकिन ये है कि जो मैं दर्द बर्दाश्त कर रही थी इतने टाइम से वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे ऐसा होता था कि तीन चार दिन में दर्द हो ही जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब दर्द को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है। फैन बंद कर रखा है मैंने, इसलिए थोड़ा सा पसीना आ रहा था, क्योंकि वीडियो बनाना इतना इजी नहीं है और वीडियो बनाने के लिए फ़ैन वैन बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर उसकी आवाज़ आती है पीछे से और वो फिर आप लोगों को तो क्लियर हमारी आवाज़ नहीं जा पाती, तो एक डिस्टर्बेंस आती है, तो इस वजह से फ़ैन बंद है। तो ये वाली बात की इस वजह से मेरी सर्जरी पहले नहीं हो पाई थी, अब हो जाए तो बेटर है, कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कल डॉक्टर ने सारे जो पेपर्स वगैरह है सारे क्लियर कर दिए हैं कि अब आप एलिजिबल हो सर्जरी के लिए, तो देखते हैं अब क्या रहता है। तो उन्होंने बोला है कि जैसे ही नियर बाय सर्जरी डेट जो भी रहेगा सर्जरी डे, क्योंकि आजकल जब से कोविड हुआ है तब तक पहले तो क्या होता था कि वीक के 7 days सर्जरी रहती थी, अलग से चलता था सर्जरी का डिपार्टमेंट, लेकिन अभी क्या हो रहा है जब से कोविड आ रहा है तब से जो इमरजेंसी सर्जरीज है सिर्फ वही हो रही है, बाकी नहीं होती है। ये हो गया, बस अभी इतनी सी ही बात थी जो आप लोग को काफ़ी परेशान हो रहे थे, बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि सर्जरी। एक और क्वेश्चन आप लोगों का मेरे पास आ रहा था कि आप कौन से वाली सर्जरी कराएंगे, ओपन सर्जरी या फिर जो दूरबीन से होती है वो वाली। तो इसमें क्या रहता है, वो मेरी डॉक्टर से कल बात हुई है तो डॉक्टर बोल रहे थे कि सबसे पहले तो हम लोग प्रेफरेंस देते हैं जो दूरबीन से होती है उसको, क्योंकि उसमें जो कट है वो छोटे छोटे लगते हैं और उसमें प्रॉब्लम्स भी कम होती है, लेकिन अगर वो तो एट प्रेजेंट ही पता चलता है जब ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं कि जो भी कंफर्टेबल होता है वही होता है। अगर दूरबीन वाली सर्जरी थोड़ा टफ पड़ती है, किसी किसी के लिए कई बार हो जाता है,
कोई कॉम्प्लिकेशंस अगर रहते हैं तो फिर ओपन सर्जरी करनी पड़ती है, तो वो चीज़ एडवांस में नहीं बताई जा सकती कि क्या किस टाइप की सर्जरी होगी, किसी भी सर्जरी में ऐसा नहीं बताया जा सकता। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया है। तो बस इतनी ही बात थी फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो करते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।